वापस लेने के लिए ख़ास तौर पर पीसी के साथ हयात एजेंसी है, फिर स्टॉक एक्सचेंज के साथ हमारा प्लाट है, एनएलसी का प्लाट है, जुमा गोट में हमारी ज़मीन है और आईएच चुंदरीगढ़ रोड पे एक दो हमारे और प्लाट हैं जो लोगों के हाथों में बिलावजा इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमने वापस लेने का आज कमेटी में फ़ैसला किया है ताकि रेलवे की अर्निंग में इजाफ़ा किया जा सके। और चौथा हमने ये फ़ैसला किया है कि लाहौर से अहम बिज़नेस का हब जो है, क्योंकि कराची है, इसलिए हमने फ्रेट और लैंड के इशू के लिए कराची को स्ट्रेंथन करने का फ़ैसला किया है कि कराची रेलवे में लाहौर से ज़िम्मेदारान अफसर को शिफ्ट कर दिया जाए, बजाय इसके कि वो लाहौर से कराची आएँ और फिर जाएँ, वो कराची में ही रहें और कराची की रेल के फ़ैसले कराची में किए जाएँ। इसके अलावा हमने हैदराबाद की जो वर्कशॉप है उसको अपग्रेड करने का फ़ैसला किया। मुगलपुरा जाके ठीक होती थी, यहाँ से जाती थी फिर वापस आती थी, वो हैदराबाद में ही ठीक हो सकें। थरकोल 154 किलोमीटर का रेल से राबता करने के लिए हमने BOT बेसिस पे टेंडर कॉल किए हैं, इससे भी रेलवे की अर्निंग में भी इजाफा होगा और रेलवे जो है वो एक बेहतरी की तरफ जाएगी। दूसरे हमने वो पुरानी बातें हैं, मार्शलिंग यार्ड जो है पिपरी के लिए, और हमने पोर्ट कासम के लिए लोड आउट स्टेशन जो है वो बराए रास्त पोर्ट कासम से अगर हमने NLC के साथ इश्तराक भी करना पड़ा तो करके करेंगे। और 12 तारीख को हमारी KCR के सिलसिले में दोबारा पेशी है सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, और इसी सिलसिले में कल CM साहब से हम मीटिंग करने के लिए यहाँ आए हैं, और अब आपका कोई सवाल हो तो हम जवाब देने के लिए हाज़िर हैं। देखें, अभी तो हमारे पास 38 कनाल जगह है, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है कि उनको किस लीज पे देनी है, क्या करना है, ये हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, मिनिस्टर ऑथोराइज नहीं होता कि कीमत का तयन करने के लिए। देखे, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी गाइडलाइन दी है हमें और हमसे बिजनेस प्लान मांगा है, हम सुप्रीम कोर्ट को बिजनेस प्लान दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं कि हमारी एक एकड़ जो अफसर अहल हैं वो यहीं पे लगे हुए हैं, लेकिन हम कराची शाहरगा रेलवे की, इसको इग्नोर किया गया, इसको अहमियत देने जा रहे हैं, कराची को उसकी शान शान ऑफिसर्स देने जा रहे हैं जी सबका। हमें दो यूनिवर्सिटियां पहले बनाई हैं रावलपिंडी में, एक फातमा जना यूनिवर्सिटी बनाई थी शौकत अजीज़ के ज़माने में, एक यूनिवर्सिटी हमने बनाई है सेटेलाइट टाउन, तीसरी हम बना रहे हैं एक सिंध में। ये जो हम रेलवे की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ये ML1 के तहत बनेगी, इसमें कोई रेलवे के पास यूनिवर्सिटी बनाने के पैसे नहीं। जी मैं गया हूँ, दो दफ़ा गया हूँ जी। छः सवाल आपने एक वक्त में किए हैं। पहला सवाल ये है कि कराची में दो दफ़ा विज़िट किया है, कराची के हॉस्पिटल के लिए हम गवर्नमेंट से मिलके इनको अपग्रेड करने जा रहे हैं और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनको चलाने का फ़ैसला किया है। तमाम रेलवे के हॉस्पिटल और स्कूल जो हैं वो प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर इसको प्राइवेट सेक्टर्स में दिया जाएगा। तीसरा TLA के मलाजमीन का है, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है जो नई भर्तियां हुई हैं, जिस वक्त नई भर्तियां हुई उसके 12 घंटे के अंदर अंदर जो है
جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ان کو ٹی ایل اے کے تمام ملازمین کو کنفرم کر دیں گے، اور ایم ایل ون انشاءاللہ تعالی جو ریلوے کی زندگی ہے اور ریلوے کی ترقی کا راز ہے اور ریلوے کو حادثات سے بچا سکتی ہے، اس کے ساتھ ہی 1,00,000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ جی ابھی آپ کی طرف، اس کے بعد یہ کلیئر کر لو نا۔ جی جی اوکے۔ دوسرا سوال، اوکے پہلا سوال، آپ نے فرمایا کہ لغاری صاحب سامنے ہی بیٹھے ہیں، ابھی تک لغاری صاحب کی رپورٹ میں کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، اس لیے میں نے 3 اے جی ایمز جو ہیں، جو ٹاپ آفیسر ہیں، اس کا کہا کہ جو اصل مجرم ہے ان کو سزا دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شارٹ سرکٹ سے لگی، اور یہ بھی کہا کہ سلنڈر پھٹے، پہلے سلنڈر پھٹے یا پہلے شارٹ سرکٹ ہوا اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہے، اور سیکنڈلی سواری دھند ہے پنجاب میں بہت زیادہ، اور ہماری فریٹ کی ارننگ کافی زیادہ ہے، فریٹ اور پیسنجر ملا کے ہم ٹارگٹ سے پچھلی دفعہ سے زیادہ ہیں۔ یس ہم نے ڈیم، جی آپ سوال کریں نا، ٹائم اتنا نہیں ہوتا، میں 10 منٹ میں پریس کانفرنس ختم کرتا ہوں۔ جی اللہ کے ٹھیک ہو گیا نا، آپ نے جو پہلی بات یہ کہی ہے کہ دھند پہلے بھی تھی، بہت بھی تھی، ہم نے ڈیفیسٹ میں 4 ارب روپیہ پچھلے بجٹ میں کم کیا، انشاءاللہ 6 ارب روپیہ اس بجٹ میں بھی کریں گے۔ ہم نے ایک بہت بڑی موو پیدا کی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں پینشن کے پیسے جو ہے اپنے ذمے میں لے لے، تو جو میں نے کہا کہ ہم 5 سال میں خسارہ کم کریں گے، یہ ہم 4 اور 3 سال میں ختم کر دیں گے۔ اگر ہمارے جو 40 ارب روپے کی پینشن ریلوے اپنی جیب دیتی ہے، سبسڈی ہمیں ملتی ہے اس پہ، یہ ختم ہو جائے تو ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، ہم نے اگر انہوں نے اسی جگہ ان کی فیزیبلٹی بنتی ہے، اگر ان کا PC1 اسی جگہ پہ بنتا ہے، دیکھ تو سن لینا، میں ان کو پہلی دفعہ ملنے جا رہا ہوں زندگی میں، آج تک میں کبھی سندھ ہاؤس نہیں گیا، پہلی دفعہ جا رہا ہوں میں، سپریم کورٹ کے واضح ڈائریکشن ہے، وہ ہمیں جو فیزیبلٹی بتائیں، اگر ریلوے کی جگہ اس میں آتی ہو ہم دینے کے لیے تیار، اگر آتی نہیں تو وہ کیسے دینا۔ جی بھائی منصوبہ تو پتہ نہیں کون سا کمپلیٹ پہلے ہوگا، لیکن بڑا منصوبہ جو ہے 1885 کلومیٹر کا وہ ML1 ہے، اور بڑا پروجیکٹ ML1 ہے، یہ 2.2 بلین کا ہے، وہ تقریباً 8 یا 9 بلین کا ہے۔ سو اس لیے ایک کراچی کی ضرورت ہے، ایک ملک کی ضرورت ہے، ہمیں جو انسٹرکشنز ملی ہیں ہم اس میں پورا KCR میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں کیونکہ ہمارا پیسنجر بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہمارا 7 کروڑ پیسنجر ہے، 1 کروڑ تقریباً پیسنجر ہمارا بڑا ہے، جو بھائی نے ابھی کہا پیسنجرز کم ہوئے ہیں، ہم نے پچھلے ٹارگٹ سے 70-80 لاکھ پیسنجر زیادہ کیا ہے، اور یہ سیزنل اب سواری ہوتی ہیں، ابھی گرمیاں ہوں گی، چھٹیاں آئیں گی ہماری، اور ہمارے پاس اور کوئی ٹرین چلانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کوئی نئی ٹرین چلانے کے لیے۔ آپ کے 3 سوال ہو گئے بھائی، بس آپ کے لیے میں پریس کانفرنس نہیں کر رہا، سب کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ نئی بوگیوں کے ٹینڈر لگے ہوئے ہیں، پاس ہے جی، آپ شارٹ سا سوال کریں نا بھائی، مجھے پتا میں نے کیا جواب دینا۔ جی ڈیم فنڈ کا آپ نے بات کی، 100 روپے پہ 1 روپیہ رکھا ہوا ہے، کوئی قیامت نہیں آ جاتی، وہ محکمے کو بھی درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے فیئرز بہتر کیے ہیں، محکمے کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنی لینڈ کو بہتر ارننگ پہ لانے جا رہے ہیں، محکمے کو ارننگ کرنے کے لیے جو ہماری لینڈ قیمتی لوگوں نے دبائی ہوئی ہیں
उनको छुड़वाने जा रहे हैं। रॉयल पाम हमने सुप्रीम कोर्ट से लिया है, ये आपका शेप का भी नया टेंडर देंगे। इसी तरह ये चार मेजर प्रॉपर्टियां हमने आपको बताई हैं, चार मेजर प्रॉपर्टियां सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए वापस लेंगे इंशाल्लाह ताला। इसका टेंडर मई तक, मार्च अप्रैल तक हो जाएगा जी। लास्ट थ्री क्वेश्चन, आपके तीन हो गए भाई। मेरी ज़िंदगी में एक बात याद रखें, रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़े बेशक हो जाएं, 100 साल के हों, 40 साल के हों, एक 1861 का हमारा ट्रैक है, अंग्रेज़ ऐसे नक्शे बना गया कि अंग्रेज़ की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये है कि उसके हालात और सियासत में मिली भगत से कुछ रेलवे से मिलकर लोग अपनी मर्ज़ी के कब्ज़े और मर्ज़ी के लीज़ ले लेते हैं, लेकिन उससे निकलता कुछ नहीं है। ठीक है जी। कोई किसी को तोहफे में नहीं देता। अभी तो हमने 18 महीने में किसी को कोई ट्रेन नहीं दी। 3 फ्रेट ट्रेनें हमने प्राइवेट सेक्टर में दी हैं और हमने नई ट्रैक फ्री पॉलिसी बनाई है। अगर कोई अपनी ट्रेन लाए, इंजन लाए, हमसे किराए पे ले, हम फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स फ्री ट्रैक पॉलिसी दे रहे हैं पाकिस्तान जी। मुझे नहीं मालूम एमक्यूएम का, मैं तो मुराद अली शाह से मिलने आया हूँ और सुप्रीम कोर्ट की हदायत है कि मैं उनसे मिल के फैसले। देखें, कोरोना वायरस पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है। सारा फाइबर जो चीन से आता है, सारी पोर्टें बंद हैं और सारी जो मशीनें हैं, शटल जो कपड़ा बुनती हैं, खड्डियाँ हैं, वो सारी पंजाब में बंद होने जा रही हैं और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी बहुत असर पड़ेगा। लेकिन जो मुतलका लोग हैं, मैं रेलवे का वज़ीर हूँ, जो मुतलका मिनिस्टर है इसको बेहतर तौर पे हैंडल कर रहा है। रेलवे के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का डिसीजन है कि 5 साल से ज़्यादा इसकी एक मरला ज़मीन भी किसी को लीज़ पे नहीं दी जा सकती। ये फुल बेंच का डिसीजन है। वो वक़्त चले गए जब 99 साल के लिए लोग ज़मीनें देते थे। तो नहीं देनी चाहिए, हम खुद ये चाहते हैं। हम तो उनको अपनी ज़मीन दे रहे हैं, हम ले तो नहीं रहे। के सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम तो उनसे मिलने ये जा रहे हैं कि आपका केसी आ रहा है, आपने बनाना है, आपका ये प्रोजेक्ट है, हमारे पास जो ज़मीन है वो आप ले लें। ये मैं दाखिले का वज़ीर नहीं हूँ, रेलवे का वज़ीर हूँ।